रेस टू प्लेऑफ्स की ये आखिरी जंग है और जैसा कि आप जानते हैं प्लेऑफ्स का आखिरी स्लॉट भी बाकी है, वो हरियाणा स्टीलर्स को मिलेगा या पुणेरी पलटन को मिलेगा। कहानी अब यहीं पर सिमट करके रह गई है। पटना पायरेट्स अगर इस मुकाबले को जीत गए तो पुणेरी पलटन की लॉटरी लग जाए, टाई भी करवा लिया तो पुणेरी पलटन की लॉटरी लग जाएगी। बोनस पॉइंट पटना पायरेट्स। और ये डू ओ डाई रेड है, नीतू बोनस भी ले जाएं तो बच जाएंगे, पॉइंट नहीं मिला तो पीछे दो खिलाड़ी बचेंगे, यानी ऑल आउट सामने होगा। आसान नहीं है, पटना का डिफेंस इस तरह से अपने आप को बचा रहा है। बोनस लेने की कोशिश, बार बार कंफर्म करने का प्रयास कर रहे अपनी टीम से कि बोनस है या नहीं है। बोनस का तो पता नहीं, आउट जरूर है। नीरज ने टैकल किया और बोनस भी नहीं मिला है, यानी कि वो कंफर्मेशन बिल्कुल ठीक थी कि दोबारा अंदर जाइए। पहले 10 मिनट में पटना पायरेट्स पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं इस मुकाबले को। मोनू गोयत खेले ना खेले, सचिन खेले ना खेले, प्रशांत खेले ना खेले, हर एक खिलाड़ी चलता है। यहाँ आशीष चले हैं, मल्टी पॉइंट रेड की है। सुनील और गुमान दोनों को बाहर जाना पड़ेगा, चेन लेकर के आए थे, यहां चेन थोड़ी और जैसे ही चेन टूटी बीच का जो फासला मिला उससे बहुत शालीनता के साथ निकल गए आशीष। प्लेऑफ्स का आखिरी मुकाबला और आखिरी मुकाबले का आखिरी हाफ, 17-14 तीन पॉइंट्स की लीड पटना पायरेट्स के पास। विकास कंडोला अंदर आए हैं एज अ रेडर, 9 रेड में 2 पॉइंट, बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं किया, डिफेंस में 2 पॉइंट लिए हैं, पर मैच अभी इनकी मुट्ठी से फिसला नहीं है, बहुत टाइम बचा है और एक ही पॉइंट की लीड है बस। विकास कंडोला को दोनों थाइस पकड़ करके हवा में उठा दिया मोहम्मद रजा शादुलू ने। विकास कंडोला नहीं चल पा रहे हैं संजय दा, 10 रेड में 2 बार आउट हुए हैं और पॉइंट लाए हैं 2। लीग दौर से आगे जाने की अभी खत्म नहीं हुई है। कितने पॉइंट्स? दो पॉइंट है, ये बोनस भी मांग रहे हैं। टू पॉइंट्स हरियाणा स्टीलर्स। 2 पॉइंट मिले आशीष नरवाल को। मोनू आउट, नीरज आउट, अब आशीष आए हैं, पिछली बार आना चाहिए था आशीष। आशीष आउट है, हरियाणा भी आउट है, पुनेरी पलटन आप ढोल मंगवा के नाच सकते हैं। क्या मुकाबला था, 3 पॉइंट्स के फासले से हरियाणा स्टीलर्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए।